सत श्री अकाल जी, मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो बहुत ही टेस्टी बनता पालक पनीर। तुसी भी मेरी रेसिपी देख के इसी तरह पालक पनीर बनाओ। तो सब तो पहला मैं लिया एक गिलास पानी कुकर विच पा लिया। तो पालक मैं ली सी 1 किलो, कट के रख ली सी मैं। तो हूँ पानी उबल गया तो मैं इहदे विच पा रही हूँ पालक। पहले मैं 1/2 किलो पालक पा रही हूँ। तो उस तो बाद मैं इहदे विच पावांगी अदरक और हरी मिर्च। तुसी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग पा सकते हो। तो मैं इहदे विच अदरक और हरी मिर्च पाती है। फिर हुण दोबारा मैं इसके उपर अद्धी पालक होर पा रही हाँ। तो तुसी देख सकते हो कि मैं सिर्फ 1 गिलास पानी पाया सी। तो हुण असी इहनू कम से कम 5-6 सीटियां लवा लवांगे। पालक नूं वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं होंदी सीटियां लवाउण दी, पर अगर असी 5-6 सीटियां लवा लवांगे तो काफ़ी टेस्टी बन जाएगी। तो मैं इहदी 5-6 सीटियां लवाउण लई कुकर बंद कर दिता है। तो उधर असी तड़का तैयार कर लेंदे हाँ। मैं सरों के तेल में तड़का लगा रही हाँ, तुसी देसी घ्यो विच भी लगा सकते हो। तो मैं 1 प्याज कट के पाया बरीक कट के, तो उन्हें मैं थोड़ी देर भुन लवांगी। तो नाल ही मैं हरी मिर्च भी पा रही हाँ 1 कट के। जे तुहानू पसंद है तुसी पा सकते हो, नहीं तो स्किप कर देना। तो प्याज भुने जा चुके ने, हुण मैं इहदे विच 2 टमाटर कट के पाए है। तुसी चाहो तो प्यूरी भी बना के पा सकते हो कट के, पर मैं मोटा मोटा ही बना के पाया। तो इधर साग तैयार हो चुके हैं। तो मैं हुण इहनू मिक्सी विच बरीक कर रही हाँ। तो बरीक होने तो बाद असी इहनू तड़का लगा लवांगे। उधर साडा तड़का भी बन के रेडी हो गया। तो हुण असी बस इन्ना बरीक करना, ज़्यादा बरीक नहीं करना, फिर टेस्टी नहीं लगता। तो इधर देखो तुसी तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है भुन के। तो तुसी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इहदे विच मसाले ऐड कर सकते हो। तो मैं तो 1 चम्मच इहदे विच नून दा पा रही हाँ, तुसी अपने टेस्ट के हिसाब नाल पा लेना। नाल ही मैं इहदे विच थोड़ी जी हल्दी पा रही हाँ, हल्की जी, ज़्यादा नहीं। तो इहनू भी असी चंगी तरह भुन लवांगे। बाकी कोई भी गर्म मसाले मैं इहदे विच ऐड नहीं कर रही। हुण असी जिहड़ा पालक तैयार कीता उसनूं तड़के विच ऐड कर देंगे। इसनूं तड़के विच ऐड करके असी इहनूं सिर्फ 15-20 मिनट तक भुन्नांगे चंगी तरह तड़के विच, ताकि जिहड़ा इहदा एक्सट्रा पानी है सुक जाए। तो नाल ही मैं इहदे विच थोड़ा जिहा बेसन का घोल भी पावांगी। 1 चम्मच बेसन का घोल पाऊँगी ताकि इहदी थोड़ी ग्रेवी जिहड़ी है उह अच्छी बने। जे तुहानूं पसंद है तो तुसीं पा लेना, नहीं तो स्किप कर देना। थोड़ी देर तक मैं इहनूं पका लिया। हुण मैं इहदे विच ग्रेवी पा रही हाँ बेसन की। 1 चम्मच विच 1/2 कौली पानी की घोल के मैं इहदे विच पा लिया। हुण इहनूं भी थोड़ी देर पकावांगे, 10-15 मिनट इहनूं भी पक्कन देवांगे। तो ढक के रख देवांगे, ढक के ही पकावांगे ताकि इहदे चिट्टे जिहड़े आ बाहर ना आके गिरन। 15-20 मिनट हो चुके ने। तो हुण मैं इहदे विच पनीर ऐड कर रही हाँ। पनीर ऐड करके फिर असी 5 मिनट तक होर इहनूं पकावांगे। साडा पालक पनीर बन के तैयार हो चुका है। तुसी भी इस तरह बनाओ तो खा के दसो किस तरह का बनया। तुसी देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है पालक पनीर। जे तुहानूं भी पसंद आई है रेसिपी तो कमेंट करके जरूर दसना। ओके, बाय।